सागर के बंदा में जैन मुनियों के दर्शन के लिए लोगों ने लॉकडाउन को मजाक बना दिया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। इस दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। अब मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई किए जाने की बात कही है। कोरोना संक्रमण काल में ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और प्रशासन की लापरवाही को साफ साफ उजागर कर रही हैं। बंडा में जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज और अन्य मुनि विहार करते हुए पहुंचे। उनके दर्शनों के लिए बंडा के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह तस्वीरें लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह भी बता रही है कि किस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ लोगों की जान पर बनी हुई है। उधर इस मामले में एएसपी सागर प्रवीण भूरिया ने कहा कि इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अगर शारीरिक दूरी और धारा 144 का पालन नहीं किया गया है तो कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे सामने आई है वीडियो के विजुअल के माध्यम से, आप लोगों ने अभी संज्ञान में लाया है। थाना प्रभारी को हमने निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग प्लस 144 का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जांच करके आयोजकों पे और जो जो भी वीडियो विजुअल में है उनके विरुद्ध 144 के उल्लंघन की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। सागर में मुनि संघ आना कोई नई बात नहीं है, परंतु लॉकडाउन के दौरान जब अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह का आवागमन बंद है तो प्रशासन ने अनुमति क्यों दी, वह भी कंटेनमेंट जोन में। अगर इस दौरान बंडा में कोई संक्रमित हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।